मैं यहाँ पर आप लोगों को सेक्शनल ब्रीदिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करें। किसी किसी की जो शेलो ब्रीदिंग होती है, शॉर्ट ब्रीदिंग होती है, थोड़ा सा चलने में उनका जो सांस का सिक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है, बहुत तेज तेज सांस लेना पड़ जाता है, मुंह खोलकर सांस लेते हैं, या कोई कोई सांस लेता है तो उसमें विशल साउंड आता है, तो उन सब से कैसे छुटकारा पाएं। क्योंकि हमारी ब्रीदिंग हमेशा डीप होनी चाहिए, गहरी लंबी सांस होनी चाहिए, छोटी सांस नहीं होनी चाहिए। उसका हमारे शरीर पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बहुत निगेटिव इफेक्ट है उसका। इसलिए अब हमारी ब्रीदिंग हमेशा डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए। ये बहुत सारे डिजीजेस से हमें बचाता है, स्ट्रेस से बचाता है, तनाव किसी तरह का उसे बचाता है, और मेडिटेशन में भी हेल्प करता है, मन को शांत रखने में बहुत मदद करता है। तो इस पोस्चर को आप, इस ब्रीदिंग सिक्वेंस को, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसको सेक्शनल ब्रीदिंग क्यों बोलते हैं? हमारे लंग्स के जो लोब्स हैं, दो और तीन लोब्स हैं जो हमारे लंग्स के, हम डे टू डे लाइफ में उसका कम से कम यूज़ करते हैं, थोड़े ही पार्ट का यूज़ करते हैं। अपर पार्ट, लो, मिडिल पार्ट, इस अपर पार्ट और लोअर पार्ट मोस्टली इनएक्टिव होता है, उसका हम यूज़ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो उतना एक्टिव और उतना ब्रीदिंग नहीं इनहेल और एक्सहेल करता है जितना करना चाहिए। तो उसी को मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि डायफ्राम का यूज़ करके, अपना जो डायफ्राम जो एक थिक कर्टेन है, मस्कुलर कर्टेन है, उसका यूज करके कैसे लंग्स के हर एक पार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाएं। तो उस चीज़ को समझ लीजिए। ऐसे हाथ को सीधा रखना है, इसमें तीन ब्रीदिंग होगा, एक होता है अब्डोमिनल ब्रीदिंग, दूसरा थोरेसिक ब्रीदिंग, तीसरा क्लेविकुलर ब्रीदिंग। एक में डायफ्राम का यूज होगा, डायफ्राम को जब प्रेस करेंगे तो अब्डोमिनल कंटेंट ऊपर की तरफ आएगा, तो यानी हमारा जो लोअर लोब्स है लंग्स का वो यूज हो रहा है। तो इसमें क्या करना है, शांत मन से धीरे धीरे पहले सांस को नॉर्मल करेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सांस भरना शुरू करेंगे और अब्डोमेन ऊपर आएगा, चेस्ट को न्यूट्रल रखेंगे। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए एक काम आप कर सकते हैं, एक हाथ को चेस्ट पर रखना है, चेस्ट के सेंटर में, और एक हाथ को अब्डोमेन के ऊपर रखना है। तो इस तरह से ऐसे आपने हाथ को रख लिया। अब जब अब्डोमिनल ब्रीदिंग कर रहे हो, करना है, तो चेस्ट में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। इस पाम से ऑब्जर्व करेंगे कि चेस्ट ऊपर या नीचे नहीं जाए, न्यूट्रल रहे, सिर्फ अब्डोमेन ऊपर और नीचे जाए, और मैक्सिमम ऊपर और नीचे जाए। तो धीरे धीरे अब सांस भरना शुरू करेंगे। चलिए इनहेल, धीरे धीरे सांस भरते जाइए और मैक्सिमम, और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। चेस्ट में आपने देखा न्यूट्रल मूवमेंट है, यानी मूवमेंट कम से कम है, नेग्लिजिबल है, सिर्फ अब्डोमेन में है। अब अब्डोमेन नीचे की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम नीचे की तरफ जाना चाहिए, पूरा पेट अपने स्पाइनल कॉर्ड से लग जाए। फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे, और इस पोस्चर इसको जब कर रहे हों तो आईज को क्लोज रख लें, तो और इसको करने में आपको मदद मिलेगी। तो आईज को क्लोज करके इसका प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा थोड़ा मेडिटेशन का भी लाभ आपको मिल जाएगा, कंसंट्रेशन का भी लाभ मिलेगा। धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ, इसको आप 5 to 7 times या 10 times हर एक ब्रीदिंग सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको तीन तीन बार करके दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरह से इसको देख लीजिए कैसे करना है, और उसको धीरे धीरे अपने लाइफ में यूज करिए, उसका प्रयोग करिए। इनहेल, एक्सहेल करते हुए अब नीचे, अभी अब्डोमेन को न्यूट्रल रखेंगे। अब अब्डोमेन अप एंड डाउन नहीं होगा, सिर्फ थोरैस होगा, यानी सिर्फ चेस्ट का पार्ट ही ऊपर नीचे होगा, अप एंड डाउन। तो अब्डोमेन को न्यूट्रल रखना है, एक दो सांस नॉर्मल ले लेंगे बीच में। अब इसके बाद थोरैसिक ब्रीदिंग का प्रैक्टिस करेंगे, तो अभी इसको ऑब्जर्व करना है कि ए मूव नहीं हो, सिर्फ चेस्ट मूव हो। सांस भरेंगे, इनहेल, और धीरे धीरे इनहेल आप आप इनहेल करके थोड़ी देर रोकेंगे, फिर धीरे धीरे एक्सहेल। ज्यादा देर तक सांस को रोकने की कोशिश नहीं करनी, सांस भरनी है और छोड़नी है, यही काम है। उसमें 2-3 seconds से भी रोकें तो अच्छे चलेगा, लेकिन इसमें रोकने का, आपको कुंभक करने का प्रयास नहीं करना है। सांस भरते हुए ऊपर, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे। अब्डोमेन में मूवमेंट नहीं, अब्डोमेन सांस के साथ ऊपर नहीं आना चाहिए और ना ही छोड़ते समय नीचे जाना चाहिए। न्यूट्रल रखिए, अब्डोमेन का मूवमेंट कम से कम हो। इस तरह से हम आपको तीन बार करके दिखा रहे हैं, आपको 5 to 7 times या 10 times आपको इसका प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से अब्डोमिनल ब्रीदिंग हुआ और
थोरेसिक ब्रीदिंग हुआ, एक्सहेल, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन और मैक्सिमम एक्सपेंशन, रिलैक्स। अब हाथ को नीचे कर लेंगे इस तरह से। अब आपको कॉलर बोन का यूज करना है। इसको यूज करते हुए जब सांस भर रहे हो, जैसे नॉर्मली हम डे टू डे लाइफ में कभी स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, कोई बात होता है, ऐसा जो करते हैं, यही आपको ब्रीदिंग कैसे एक सीक्वेंस में फॉलो करना है वही हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। दोनों हाथ को ऐसे नॉर्मल रखेंगे, शोल्डर को न्यूट्रल रखेंगे, सांस भरते हुए थोड़ा सा अपने कॉलर बोन को यानी शोल्डर को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे इनहेल करते हुए। अब इस समय अबडोमिन और चेस्ट में निगली कम से कम मूवमेंट हो, इसको न्यूट्रल रखने की कोशिश करेंगे अबडोमिन और चेस्ट को। फिर एक्सहेल करते हुए शोल्डर नीचे की तरफ शिफ्ट होगा और इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ। ऐसे हम तीन बार करके आपको दिखा रहे हैं। इनहेल अप, आर्म्स सीधे रखेंगे और बहुत ज्यादा तनाव नहीं लाना है, नहीं चेहरे पर, नहीं बॉडी के किसी भी पार्ट में। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे नीचे। यदि किसी को अस्थमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी को ज्यादा स्ट्रेस होता हो या किसी को पल्पिटेशन हो रहा हो, तो इसका प्रैक्टिस जरूर करें। इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा। जितना प्रैक्टिस डीप होता जाएगा, जितना लंबा होता जाएगा, वैसे वैसे इसका बेनिफिट भी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको, इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज को फॉलो करके आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। इसको आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है, खाने के बीच में थोड़ा सा गैप रखते हुए इसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। थैंक यू।